सबसे पहले तो बधाई हो जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई सारी देश की जनता और विशेषकर जो वहाँ पर स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाली महान हस्तियाँ हैं, उनका एक लंबा कंट्रीब्यूशन है, लंबा इतिहास है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। विशेषकर आशीष चौहान जी को मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि वो एक यंग डायनेमिक उस संस्थान के एमडी हैं जो शायद बहुत रेवोल्यूशनरी उन्होंने अपने समय में आकर चेंजेस किए हैं, और उनके समय में ये 140 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक प्रकार से खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि जब हिस्ट्री को स्टडी करें तो एक संस्थान जो एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ, उसके बाद एक छोटे कमरे में, और उस कमरे से आज वो देश का ही नहीं, एशिया का ही नहीं, अपितु दुनिया का एक प्रतिष्ठित संस्थान बन गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहते हैं कि 200 मिली सेकेंड में, यानी शायद 1/5 सेकेंड में एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। मे बी इट इज़ प्रोबेबली द फास्टेस्ट जो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, इतना फास्ट तो शायद दुनिया में कहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें निश्चित रूप से इसके ऊपर गर्व होता है। और फिर शायद सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉरपोरेट हाउसेज, इन्वेस्टर्स और ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, 5,500 संस्थान जो है वो इन्वॉल्व हैं। नए लोगों को भी जो है कैसे वो देश के लिए और अपनी संस्था के लिए फील्ड से जो है फंड्स को जनरेट कर सकते हैं, कैसे उनको बिल्ट अप कर सकते हैं, कैसे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे काम करने के लिए ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बड़ी प्रोफेशनल गाइडेंस देता है, प्रोफेशनल फैसिलिटीज़ हैं, प्रोफेशनली जिसे कहते हैं फैसिलिटेट कर रहा है सारे अच्छे कामों को। तो मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। और जिस तरह से सेंसेक्स जो है वो मामूली से मामूली जो देश में परिवर्तन आता है किसी भी तरीके का, चाहे वो किसी पॉलिसी मेकर के किसी स्टेटमेंट से हो, चाहे वो हमारे वेदर की कंडीशन से हो, चाहे वो मार्केट में या देश में होने वाली किसी घटना से हो, या जिस भी बात का किसी भी प्रकार से ग्रोथ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ सकता है, उसको इसकी जो सेंसिटिविटी है वो अपने आप में इसकी जो एफिशिएंसी है या काबिलियत है इसका प्रतीक है। कि सेंसेक्स जो है वो इतना सेंसिटिव है कि वो एक मिनट में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, सुबह कुछ हो सकता है, शाम को कुछ हो सकता है, लोगों को फोरवॉर्न भी करता है, वॉर्न भी करता है, गाइड भी करता है, उत्साहित भी करता है, डिप्रेस भी करता है, लेकिन उन सब में से लोग अपनी नीति जो है, रणनीति जो है, उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, जो खासकर जो टेक्नोलॉजी का जो आज के युग में जो प्रयोग यहाँ पर हुआ हुआ है, मैं विशेषकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में उसके ऊपर गर्व करता हूँ। मुझे इतना भी जानकारी है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में भी जो है उसका प्रेजेंस है, यानी हम जागरूक हैं समाज के, देश के, राष्ट्र हित के लिए, और जो जनता है उनके हितों की भी ये ईमानदारी से रक्षा करते हुए उनको सही समय पर सही जानकारियां देना, डिविडेंड्स उनके जो है क्या हो सकते हैं, उनके शेयर की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, क्या चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ उनके लिए नुकसानदायक है, क्या करने से उनको जीवन में व्यक्तिगत लाभ होगा, क्या करने से किसी कॉरपोरेट सेक्टर की इंस्टीट्यूशन को लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ों को इतने वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से रेगुलेट करना, कोऑर्डिनेट करना, और एक क्लिक ऑफ बटन, बल्कि मतलब शायद सेंटेंस पूरा नहीं होता उसके पहले ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है, उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया को पता लग जाता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।